कॉम्पिटेटिव एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बैंक समाधान विवरण का एक सामान्य सा क्वेश्चन लेके आया हूं, जिससे सभी विद्यार्थियों को बैंक समाधान विवरण के सवाल हल करने में सुविधा हो। इसीलिए देखिए कुछ सूचनाएं लिखी हुई है बोर्ड पर, देखते हैं आपकी निम्न सूचनाओं से 31 मार्च 2020 को बैंक समाधान विवरण तैयार कीजिए। 31 मार्च को हमने आपको बताया था कि जो ग्राहक होता है अर्थात व्यापारी होता है, वो एक निश्चित तिथि को बैंक समाधान विवरण तैयार करता है। तो हमने यहाँ पर देखिए 31 मार्च 2000 को एक बैंक समाधान विवरण यहाँ पे तैयार किया है। बैंक समाधान विवरण जब तैयार करता है तो उस समय हमने आपको बताया था कि जो ग्राहक होता है वह अपनी रोकड़ बही जो होती है, रोकड़ बही के जो कॉलम होते हैं, उस कॉलम में जो बैंक का कॉलम होता है, उस बैंक के कॉलम का मिलान अर्थात जो पासबुक होती है, पासबुक जो बैंक देता है उसके कॉलम से करता है, उसके खानों से करता है। इसमें हमने आपको बताया था कि डेबिट शेष जितना होगा उतना पासबुक का क्रेडिट शेष होगा, और रोकड़ वही का जो क्रेडिट शेष होगा उतना ही पासबुक का डेबिट शेष होगा। ये दो बात हमने आपको समझाया था। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कहा गया है कि रोकड़ वही के अनुसार बैंक शेष 9,750 है। यदि यहाँ रोकड़ वही के अनुसार बैंक शेष कहता है तो हमें यह समझना है कि यह डेबिट शेष है, जो डेबिट है डेबिट शेष ही कहलाएगा जब कुछ ना लिखा हो तो। दूसरा, इन्होंने कहा कि चेक निर्गमित किया जो 4 अप्रैल को प्रस्तुत किया गया, निर्गमित किया, जब निर्गमित किया तो उन्होंने कब प्रस्तुत किया, इसे देखिए 4 अप्रैल को प्रस्तुत किया 1,000 रुपये का। एक ग्राहक ने सीधे बैंक में जमा किए, जो ग्राहक था उन्होंने क्या काम किया, सीधे बैंक में ले गया पैसे और जमा कर दिया, और कितने 400 रुपये जमा किया। अगला देखिए, एक चेक बैंक में जमा किए जिसका संग्रह 2 अप्रैल को हुआ। हमने एक चेक हमको मिला था किसी दूसरे व्यक्ति से, पार्टी से, उसको हमने 2 अप्रैल को कहाँ किए, बैंक में ले जाके जमा किए, और बैंक ने बीमा प्रीमियम के बैंक खाते से दिए जिसका लेखा रोकड़ वही में नहीं किया गया। अब हमने बीमा लिए थे तो उसका प्रीमियम हमको जमा करना होता है, तो हमने बैंक में क्या किए, हमारे खाते में वो बैंक खाता जो है उसमें जोड़ दिए कि प्रीमियम जो है हर साल वो अपने आप उससे बैंक से जाएगा, और उसका जो भी चार्ज होगा वो बाद में हम बैंक को देते रहेंगे। अर्थात वह प्रीमियम का जो पैसा है वो बैंक ने काट लिया और उस बीमा कंपनी को, कहने का मतलब यही है यहाँ पे। अब देखिए बैंक समाधान विवरण हम कैसे तैयार करते हैं, तो इन सूचनाओं से बैंक समाधान विवरण तैयार करते हैं। और आपको यह भी मालूम है कि बैंक समाधान विवरण जो है वह एक निश्चित तिथि को तैयार किया जाता है, तो हम यहाँ पे बैंक समाधान विवरण और इसकी डेट डाल देते हैं 31 मार्च 2000 को, इसी दिन बना रहे हैं हम। अब इसमें हम यहाँ पे इसके हम जो कॉलम होते हैं उन पर भी चर्चा किए हैं, और आपको इसका प्रारूप भी हमने पिछले वीडियो में समझाया, यदि आपने नहीं देखा तो वो वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। ये देखिए हम यहाँ पर इन कॉलम की बात कर लेते हैं, और इनमें यह हमारा विवरण है, विवरण यहाँ पर रकम विस्तार, और यहाँ पर शुद्ध रकम, अगले कॉलम में शुद्ध रकम इस टाइप से लिखा जाएगा। इनमें से हमने आपको बताया था कुछ मदों को जोड़ा जाएगा और कुछ मदों को घटाया जाएगा। अब देखिए आप रोकड़ वही के अनुसार बैंक शेष, रोकड़ वही जो है इसके अनुसार बैंक शेष है, उसको हम शुद्ध रकम मानेंगे 9,750, यहाँ पे पहले से बताया गया है रोकड़ वही के अनुसार शुद्ध रकम 9,750 है। अब इसमें देखिए चेक निर्गमित किया, अर्थात हुआ क्या, चेक हमने निर्गमित किया, यहाँ पे जिस दिन निर्गमित किया था उस दिन हमने रोकड़ वही जो थी हमारी यहाँ पे वह रुपए को हमने क्या किया होगा, निर्गमित किया, यानी हमने कहा होगा कि बैंक पाने वाला होगा, बैंक खाता डेबिट कर दिया होगा, अर्थात यहाँ पे रोकड़ वही में हमने माइनस किया होगा, उसको कम किया होगा, हमारा जो प्राप्ति है वो पैसा कम होगा जो हमारी तिजोरी में है,
यहाँ पे रोकड़ वही में पैसा कम हो गया और हमने समझ गए कि ये पैसा कहाँ चला गया, पासबुक में चला गया होगा। अब पासबुक में भी वह व्यक्ति जाएगा और यह चेक का पैसा ले लेगा, लेकिन वह व्यक्ति गया ही नहीं। कब? 31 मार्च तक वह गया। कब? 4 अप्रैल को वो पहुँचा बैंक में। जब वो 4 अप्रैल को वह व्यक्ति पहुँचा तब वो पैसा बैंक इसको 1,000 रुपये देगा, यानी हमारा खाता उस समय यहाँ पे माइनस होगा। लेकिन अभी हुआ क्या? नहीं हुआ। और हमने यहाँ 31 मार्च को ही क्या किए, समाधान करने लगे कि ये अंतर क्यों आ रहा है, यह जानने लगे यहाँ पे। तो जब हम यहाँ पे जानना चाह रहे हैं कि यह अंतर क्यों आ रहा, तो हमको समझ में आए कि हमने जिस व्यक्ति को चेक दिए थे वह व्यक्ति क्या हुआ, पहुँचा क्या? नहीं पहुँचा। और नहीं पहुँचा तो हमने उसे यहाँ पे तो कम हुआ नहीं है बैंक में, लेकिन वह रोकड़ वही में वह पैसा कम हो गया। सीधा सीधा मतलब यहाँ पे हम पुनः उतना रुपए जोड़ देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं पुनः उतना रुपए, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो विवरण है वो बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि हमने पहले घटाए थे और बैंक ने उसे घटाया नहीं है। बस यही सोच रख के आपको सवाल हल करना है। दूसरा देखिए, एक ग्राहक ने सीधे बैंक में जमा कर दिए। अब एक ग्राहक था, उस व्यक्ति ने क्या काम किया, सीधा बैंक में गया और बैंक में जमा कर दिया, यानी हमारा खाता क्या हो गया, ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा हमारा बैलेंस। जैसे हमारे 10,000 रुपये थे और उन्होंने यदि 400 रुपये जमा कर दिए तो हमारा बैंक में दिखाने लगेगा 10,400। लेकिन रोकड़ वही में हमें पता ही नहीं है कि उनने बैंक में जमा किया कि नहीं किया। जब हम गए वहाँ पर और बैंक से हमने स्टेटमेंट लिया तब पता चला कि रामलाल ने 400 रुपये हमारे खाते में जमा किए, और वो देता हमको सीधे, हमको ना दे के उसने क्या काम किया, बैंक में जमा कर दिया। अर्थात रोकड़ वही में भी उसको हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जब तो ये रोकड़ वही और पासबुक का समान होगा, एक जैसा होगा और समाधान हो जाएगा, हमारा अंतर नहीं आएगा। यानी ये 400 रुपये भी हमको क्या करने पड़ेंगे, जोड़ने पड़ेंगे। आगे देखिए, एक चेक बैंक में जमा किए, हमसे किसी ने हमको चेक दिया था, वो हमने रख लिए थे तिजोरी में, तो हमने जमा किए कहाँ, बैंक में जमा कर दिए उसको ले जाके, और जिसका संग्रह 2 अप्रैल को हुआ। अर्थात क्या हुआ, हमने जमा किए उसको, और बैंक में भी वो ट्रांजैक्शन होने में 2-3 दिन का टाइम लग जाता कभी कभी। तो इसी कारण क्या हुआ कि हमने जिस दिन जमा किए थे उस दिन वो पैसा हमारे अकाउंट में यहाँ पे प्लस होना था, लेकिन बैंक में प्लस नहीं हुआ। लेकिन हमने क्या किए थे, रोकड़ वहीं में तो ये सोच लिए थे कि अब हमारा पैसा आ गया है, यानी हमने रोकड़ वही में उसको लिख लिए थे। लेकिन पासबुक में लिखा था क्या, नहीं लिखा है, क्योंकि संग्रह नहीं हुआ, अर्थात वो पैसा हमारे अकाउंट में नहीं आया। तो यहाँ पे पासबुक में उन्होंने प्लस नहीं किया था, जोड़ा नहीं था, लेकिन रोकड़ वही में वह पैसा क्या हो गया, जुड़ गया। यानी सीधा सा मतलब यह है कि दोनों को एक जैसा बनाने के लिए हमें यहाँ से कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसको पहले जोड़ लिए थे, इसीलिए इस 500 रुपये को हमको घटाना पड़ेगा जो रोकड़ वही का शेष है उससे। अच्छा, अगला देखिए, बैंक ने बीमा प्रीमियम के बैंक खाते से दिए, जो बैंक है इसने बीमा प्रीमियम देना पड़ता दूसरे व्यक्ति को, तो इनने दे दिया, यानी कम हो गए यहाँ के पैसे, बैंक से पैसा हमारा खाते का कम हो गया। और जिसका रोकड़ वही में लेखा नहीं किया, यानी इसमें लेखा नहीं, हम भी याद नहीं रही कि हमको इसको प्रीमियम का पैसा था उसे कम करना है, तो हमने यहाँ पे उसे क्या किए, वो पैसा इस जगह पे हमको माइनस करना था, लेकिन हमने उसको माइनस किए कि रोकड़ वही में नहीं किए, रोकड़ वही में नहीं किए, इसीलिए यहां पे अब क्या काम करेंगे, यहां पे ऑलरेडी माइनस हो गया है और यहां पे माइनस नहीं हुआ है, तो अब इसको हम कम कर देंगे 700 रुपए को। अर्थात हम इसीलिए कहते हैं कि इसमें जो बैंक समाधान विवरण है इसमें कुछ मदों को आपको जोड़ना पड़ेगा, और यहां प्रोफार्मा में लिखा जोड़िए कुछ मदों को और कुछ मदों को हमने घटाइए कहा था। और इस प्रकार जोड़ने घटाने के बाद में जो शेष आएगा यहाँ पे, उस शेष को हम क्या बोलते हैं, पासबुक के अनुसार क्रेडिट शेष जब निकल के आएगा, तो हमेशा क्रेडिट शेष निकल के आएगा। यदि ये डेबिट शेष है तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, क्रेडिट शेष निकल के आएगा। अब इसे हम बंद कर देंगे, लेकिन कैसे, अब देखिए आप इसे हम क्या करेंगे, योग करेंगे दोनों को, क्योंकि ये जोड़िए वाली मद है, जोड़िए वाली मद को यहाँ पे लिखेंगे हम 1400 रुपये,
सीधे बाहर निकाल के लिखते हैं 1400 रुपये। अब इसे जोड़ देते हैं तो 0, 5, 7 और 4 11 का 1, 7 का 1, 10 और 1 11, 11150। इन मदों को जोड़ के बाहर निकालना है और माइनस जो निशान है वही लिखना है। 500 और 700 1200 को अब घटा दीजिए और घटाने के बाद में आप देखिए 0, 5 में से 0 गया 5, 1, 1 में से 2 नहीं जाएगा तो 11 और 11 में से 2 गया तो 9 बचेगा। वैसे यहाँ पे क्या है, 1 है तो 1 इधर गया था तो 0 यानी 10, 10 में से 1 गया 9 और यहाँ से हमने इधर लिए थे इसीलिए ये 0, तो 9,950 रुपये यह हमारा क्रेडिट शेष आ गया। बिल्कुल आपको यह सवाल समझ में आया होगा। यदि इस प्रकार के और भी कोई सवाल आपको ऐसे लगते हैं कि समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दें तो वो हम यहाँ पे समझा देंगे। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक इसे पहुंचाएं और सब्सक्राइब करने को कहें, जिससे नए नए वीडियो प्रतिदिन जो आपको मिलते हैं वो मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।